हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियोस आए उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आज आपको मेरा ये वीडियो ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे, देन मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आप लोगों को आइडिया तो लग ही गया होगा कैप्शन पढ़ के कि आज का वीडियो किस लिए है, आज का वीडियो है कौन सी टॉपिक पे। आज का वीडियो है पर्पल हॉल। पर्पल हॉल, मैंने पर्पल के ऐप से मैंने कुछ कॉस्मेटिक्स बाय किए थे, तो उसका रिव्यू मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि वो आप बाय कर सकते हैं या आप बाय नहीं कर सकते। एंड यस, मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स बाय किए हैं वो सब रीज़नेबल प्राइसेस में बाय किए हैं। कोई भी मेरे ऐसे प्रोडक्ट नहीं है जो मैंने 500 या 1000 के आसपास के मैंने बाय किए। मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब मैंने 300 के रेंज तक या 300 के अंदर तक के ही बाय किए। हार्डली आई गेस कोई एक प्रोडक्ट कोई है, या तो वो फ्लिपकार्ट के हॉल वाले में है या तो पर्पल के हॉल में है, कोई एक प्रोडक्ट है जो आई गेस मैंने 300 अबाउ, क्योंकि मुझे और कहीं पे वो सेम चीज़ मुझे उससे कम प्राइस में मिल नहीं रही थी, और उसकी क्वालिटी जो होती है वो क्वालिटी को देख के मुझे वो लेना पड़ा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पर्पल हॉल। तो मैं आपको एक एक करके सपने अपने सारे प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। अराउंड 8 to 9 प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने बाय किए हैं, और उसके साथ मुझे 2 फ्री गिफ्ट्स मिले थे। वो सारे प्रोडक्ट्स के साथ मुझे 2 फ्री गिफ्ट मिले थे। एक्चुअली 2 फ्री गिफ्ट एक ही साथ में नहीं मिला था, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे पहले तो उसके साथ एक फ्री गिफ्ट था, और दूसरी बार बाय किया था तो उसके साथ फ्री गिफ्ट मिला था। लाइक वो कोई ह्यूज फ्री गिफ्ट नहीं है, बट यस, उन लोगों ने मेरे जो पैकेज, मेरा पूरा पैकेज बन रहा था समथिंग, तो उसके ऊपर एक छोटा सा फ्री गिफ्ट था। मैं वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मैं वो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने ऑर्डर किया था वो है, यस, तो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है ये ग्लैमवेदा का फेशियल किट। ये ग्लैमवेदा का फेशियल किट है हमारा, ग्रीक योगर्ट एंड बनाना का पावर वाइटनिंग फेशियल किट है। ये फेशियल किट मैंने एक्चुअली अपने लिए बाय नहीं किया है, ये फेशियल किट मैंने बाय किया है अपनी मम्मी के लिए। ओके, सो इसका जो है वो 110 ग्राम है इसका। ये देखिए, इतने बॉक्सेस इतने छोटे छोटे हैं। ये देखिए, ऐसे छोटे से बॉक्स, कंटेनर ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट यस, अंदर जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और हमने इसे एक बार यूज़ भी किया है। ये देखिए, ये पूरा भरा हुआ रहता है। ये देखिए, ये एक बार यूज़ हुआ है खाली, और अभी भी अगर मैं बताऊँ तो यहाँ तक है सारे प्रोडक्ट्स, सारे में, सब में। मैं एक और आपको दिखा देती हूँ, ये है क्लेंज़र, दिस वन इज़ क्लेंज़र। दूसरा मैं आपको दिखा देती हूँ, स्क्रब दिखा देती हूँ, इसमें का ही स्क्रब दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, है ना? सो इसका रिव्यू अच्छा है, अगर आप ये बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। इस पे लिखा है 345 रुपीस, इस पे जो प्राइसिंग है वो है 345 की, यहाँ पे लिखा है 345 की। आई गेस लाइट की वजह से आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे लिखा है 345 का। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि आपको अगर बाय करना है, आपके प्राइस के अंदर है, आपको जो प्राइस में चाहिए उसके अंदर मिल रहा है, तो आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। और ये अच्छा है प्रोडक्ट, हमने एक बार इसे यूज़ भी कर लिया है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अनदर प्रोडक्ट। तो दूसरा प्रोडक्ट जो है वो है बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर है ये। ये देखिए, और इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही सुपर्ब है। ये मॉइस्चराइजर जो है, ये देखिए, ये मेरे हाथ जितना बड़ा तो है, हाँ ये देखिए इतना बड़ा तो है, और ये पूरा भरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आधी बॉटल खाली है, ये पूरा भरा हुआ है, बिल्कुल भी ये खाली नहीं है।
बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, और मैंने इसे एक बार यूज़ भी किया है। एक्चुअली अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैंने अपने फेस वॉश करने के बाद मैंने इसी मॉइस्चराइज़र का यूज़ किया है। ज़्यादा मेकअप नहीं करना था मुझे। ये देखिए बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में लगाएंगे हम तो हमें पसीना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही अच्छा है और स्मेल बहुत लाइट स्मेल है। ऐसा नहीं है कि कुछ मॉइस्चराइजर्स ऐसे होते हैं कि लगाने के बाद उससे से बहुत ही हार्ड स्मेल आता है, तो लाइक वो काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि स्मेल की वजह से हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, वो मुझे भी है। और बिल्कुल भी मुझे इस मॉइस्चराइजर से कोई हार्ड स्मेल नहीं है, कोई हैवी स्मेल नहीं है कि हमारा हेडेक स्टार्ट हो जाए। इस पे जो प्राइसिंग लिखी है वो 280 का प्राइसिंग लिखा है, आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। मेकअप के पहले अगर आपको करना है तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यस, मेरी ऑयली स्किन है, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मिली है मुझे, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर प्रोडक्ट। सो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये बायोटिक का ही है फाउंडेशन, बायोटिक नेचुरल मेकअप मैजिकर ऑल डे फाउंडेशन। एक्चुअली बायोटिक का वो भी मॉइस्चराइजर भी था, बायोटिक का ये बायोटिक का एक फाउंडेशन भी है। एक्चुअली मैंने क्यों बायोटिक का, बिकॉज बायोटिक एक नेचुरल कंपनी है, मुझे उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने पहले भी यूज़ किए हैं। पहले लाइक इतने ये सारे तो फर्स्ट टाइम मंगवाया है और इसका रिव्यू अच्छा है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसे बाय करें। मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए स्किन केयर इन्फ्यूज्ड 100% वेगन लिखा है। हमें कोई मिलावटी प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए हमारे स्किन के लिए कि वो यूज़ करने पे, ये देखिए ऐसी है इसकी पैकिंग। और इसका जो टेक्सचर है क्रीमी टाइप का है, क्रीमी मतलब एकदम से हार्ड वाला क्रीम नहीं है। ये देखिए एकदम इजीली स्प्रेड हो जाएगा, ये देखिए। अगर हम इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब डैब करेंगे, ये मैंने सिर्फ फिंगर से डैब डैब किया है, ये मेरे स्किन टोन के साथ मैच हो रहा है। आप चेक करके लीजिएगा कि जो आपके स्किन टोन पे मैच हो आप उसे ही बाय करिएगा। ये देखिए एकदम ज़्यादा गोरा वाला नहीं है, ये जो मेरे स्किन पे मैच हो ना, मैंने वही वाला लिया है। ओके, सो इसमें भी स्मेल है, इसकी स्मेल लाइक बहुत प्लीजेंट स्मेल है कि फेस पे यूज़ करने के बाद हमें एक प्लीजेंट सी स्मेल मिलेगी, और बिल्कुल वो इसमें है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि अगर आप बिगिनर है मेकअप में तो आप इसे ज़रूर यूज़ करिए। ओके, सो ये भी एक प्रोडक्ट है, पहला था हमारा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र और दूसरा है बायोटिक का फाउंडेशन, आप देख लीजिए। ओके, स्किन ग्लो, मेक माई स्किन ग्लो नेचुरली, SPF 15 है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, ओके नेक्स्ट है हमारा ये सेंफी का रेज़र। आपने काफ़ी सुना होगा रेज़र्स के बारे में, हम काफ़ी रेज़र्स यूज़ करते हैं, सो हम लोकल मार्केट से भी रेज़र्स बाय करते हैं। एक्चुअली मैंने भी लोकल मार्केट से रेज़र बाय किए थे, वो रेज़र्स ये है, ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किए थे। अब मैं आपको इसका ब्लेड दिखाती हूँ, ये देखिए इसका ब्लेड ऐसा है, इसका ब्लेड ऐसा है, लाइक वो प्रॉपर एकदम जो ब्लेड हम कहते हैं ना वही है ये चीज़। ओके, ये है हमारा चीप क्वालिटी वाला रेज़र, प्राइसिंग में तो ये कम रहता है बट ये हमारे फेस के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये मैंने ट्राई किया, ये मैंने ट्राई नहीं, एक्चुअली मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था, मैंने 2 से 3 बार इसे यूज़ किया है अपने फेस पे। तो इसका रिव्यू अगर मैं लोकल, ये कंपनी थी एक्चुअली
टिकल या टिंकल समथिंग नाम था, इस रेजर का जो नाम था वो टिंकल या टिकल समथिंग था, मुझे अराउंड 100 के आसपास या 120 के आसपास पड़ा था। बट इसका जो ब्लेड है ये हमारे फेस पे कट लगा सकते हैं, और मेरे फेस पे कट लगा भी था रेजर्स, इन रेजर्स की वजह से, बिकॉज इनका जो ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प है। और यस, इसको यूज़ करने के बाद, ये जो लोकल मार्केट वाले जो रेजर्स है इसको यूज़ करने के बाद, जब हम अपने हाथ को अपने फेस के ऊपर ऐसे डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, अपवर्ड की तरफ लेके जाते हैं, तो लाइक वो जो हमारे फेशियल हेयर है वो इतने थिक हाथ में महसूस होते हैं, ओके। और वहीं अगर मैं बात करूँ ये सेनफी के रेजर्स की, सेनफी का रेजर मैंने एक ही बार यूज़ किया है, मैंने अभी जो मेरे फेस पे बिल्कुल बाल नहीं दिख रहे हैं वो मैंने सेनफी के रेजर से ही मैंने अपने फेशियल हेयर निकाले। मेरे फेशियल हेयर काफ़ी ज़्यादा है, बचपन से ही है, कोई नई बात नहीं है, और हर किसी को होता है। तो ये देखिए, इसका जो मैं आपको दिखाऊँ, इसमें भी हमें तीन रेजर्स मिलते हैं, ये देखिए सेनफी वाले में भी हमें तीन रेजर्स मिलते हैं, ओके। और इसका ब्लेड जो है वो आप देखिए, वो ऐसा, ये आगे से जो है ना वो थोड़ा खुरदुरा टाइप का है, वो ऐसे होता है ना, ये देखिए मेरी नाखून कैसे अटक अटक के आते हैं। तो इसका जो ओके, इसका जो ब्लेड है वो कुछ इस तरीके का है, ओके। और ये यूज़ करने का, मैंने इसे यूज़ किया है अपने फेस पे, यस मैंने ये ब्लू वाला ही यूज़ किया है अपने फेस पे। तो इसको यूज़ करने के बाद अगर मैं अपने हाथ को ऐसे डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेके जाती हूँ तो मेरे बाल लिटरली मुझे बिल्कुल हार्ड फील नहीं हो रहे। और ये एक मिथ है, ये एक लाइक अफवाह है कि अगर हम अपने फेस पर रेजर यूज़ करते हैं तो हमारे जो फेशियल हेयर है वो जेंट्स की तरह हार्ड आते हैं, ये ज़्यादा डार्क आते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो इसे अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं फेशियल वैक्स सॉरी मैंने फेस वैक्सिंग भी किया, यूज़ किया है, और मैंने ये भी यूज़ किया है, और दोनों ही अच्छे हैं। फेस वैक्सिंग 30 दिन में एक बार करना पड़ता है, महीने भर में या 2 महीने में एक बार करना पड़ता है, ये हमें 15 से 20 दिन में हमें करना पड़ता है। अगर हमें इमरजेंसी में कहीं जाना है, और अगर जैसे कि अभी लॉकडाउन का सीन चल रहा है, अगर हमें कहीं जाना है तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है। हम अगर कहीं जा रहे हैं तो हम इसे अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो मैं, अगर आप कोई चीप कंपनी का यूज़ कर रहे हो तो वो आप अपने रिस्क पर यूज़ करिए, बट अगर आप सेनफी का रेजर यूज़ कर रहे हो आई एम डैम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। इसे यूज़ कैसे करते हैं इसका वीडियो मैं आपको बाद में बताऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा ये है सनस्क्रीन का, सनस्क्रीन है वाओ स्किन केयर का सनस्क्रीन है SPF 55। तो वो ये देखिए वाइटिश शेड, वाइटिश कलर में है, बिल्कुल वाइट कलर है, और एकदम सॉफ्ट है, बिल्कुल ही ये सॉफ्ट है। ये देखिए, बस हमें इसे लगा के और इसे हमें ड्राई होने देना पड़ेगा, बिकॉज सनस्क्रीन जो होते हैं वो उसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लगा के तुरंत धूप में न निकले, लगा के एटलीस्ट हम 5 to 10 seconds वेट करें, देन हमें धूप में जाना चाहिए, ओके। उससे हमें बराबर स्प्रेड करना होता है। ये देखिए, बिल्कुल ये अब्सॉर्ब हो जाता है हमारे स्किन में। और अगर हम समर में, अभी गर्मियों का जैसे सीज़न चल रहा है, समर में अगर हम वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। भले ही वेडिंग रात में है या मॉर्निंग में है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करिए अपना मेकअप स्टार्ट करने के पहले, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द अनदर प्रोडक्ट, एंड द अनदर प्रोडक्ट इज़, पहले मैं इसे पैक कर देती हूँ, ओके। सो अनदर थिंग वी हैव दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम स्विस ब्यूटी, ये भी स्विस ब्यूटी की कंपनी क्या है, हाईलाइट एंड ब्रॉन्ज पैलेट, हाईलाइट एंड ब्रॉन्ज पैलेट। इससे थोड़ी सी मुझे एक प्रॉब्लम ये हुई है कि ये जो लास्ट ये गोल्डन वाला शेड है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कैसे ये लाइन लाइन सा आया है। बाकी ये चीज़ बड़ी अच्छी है, ये जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। बस मुझे इश्यू हुआ तो इसी को लेके कि ये जो लाइन जैसा आया है इसमें, ये लाइक मेरे प्रोडक्ट को थोड़ा सा वो ऐसे लुक ख़राब कर रहा है मेरे प्रोडक्ट का। बाकी ये पैलेट बहुत ही सुपर्ब है, ब्रॉन्ज है, हाईलाइट है, ओके।
ये देखिए स्विस ब्यूटी का है। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट को हमें बिल्कुल भी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी इशू नहीं होती है, बस ये थोड़ा सा जो खुरदुरा सा है वही खाली प्रॉब्लम है, बाकी इसका ये प्रोडक्ट बहुत ही सुपर है, बहुत ही अच्छा है। मैंने इसे यूज़ किया है, मैंने इसे ट्राई किया, लाइक फुल मेकअप के साथ ट्राई नहीं किया, जस्ट नॉर्मली ऐसे फेस के ऊपर ट्राई किया था, और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, तो आप इसे भी ज़रूर बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव, ये बहुत छोटा सा एक है हमारे पास, लेकिन इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूँ। डिसअपॉइंटेड इसलिए हूँ, ये पहले क्या है मैं आपको ये बता देती हूँ। ओके, सो ये है हमारा NYBay का कलर करेक्टर, NYBay का कलर करेक्टर ये हमारा। ओके, अब इसमें मुझे प्रॉब्लम क्या हुई, मैंने इसमें जो ऑर्डर किया था, जो मैंने ऑर्डर किया था, जैसे कि अभी यहाँ देख रहे हैं, थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश टाइप का आया है ये बीच वाला, देन ग्रीन है, और ये थोड़ा क्रीम कलर जैसा है। तो इसकी जगह मैंने ऑर्डर किया था कि बीच में जो ऑरेंज कलर, ये इधर ये ऑरेंज होना चाहिए था, ये ग्रीन, एंड देन ये वाला शेड यहाँ पे था, ये शेड मैंने बिल्कुल ऑर्डर नहीं किया था, मुझे यहाँ ऑरेंज चाहिए था और ये वाला शेड यहाँ, बट इन्होंने मुझे एक रॉन्ग प्रोडक्ट सेंड किया है पर्पल ने। ये ऑरेंज कहीं से नहीं है, ये बिल्कुल ऑरेंज नहीं है, मे बी आपको ऐसा वीडियो में दिख रहा होगा जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये ऑरेंज है, बट ये ऑरेंज बिल्कुल नहीं है। ये जो हमारा डार्क ब्राउन कलर का जो होता है ना, वो वैसा दिख रहा है, ब्राउन में भी अलग शेड आते हैं, तो ये वैसा दिख रहा है, डार्क ब्राउन जैसा दिख रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ इसका शेड, बट मैंने इसे रख लिया है बिकॉज अभी कोविड का टाइम चल रहा है, एक बार पार्सल आ गया फिर वापस भेजो फिर वापस आएगा, सो वो प्रॉब्लम काफ़ी हो रही है, इसीलिए फिर मम्मी ने भी कहा कि रख लो, इसलिए मैंने इसे रख लिया है। ये देखिए, ये है ब्राउन जैसा, आई गेस आपको वीडियो में ऑरेंज दिख रहा होगा, बट ये है ऑरेंज टाइप का। बस यही छोटी सी इसमें प्रॉब्लम है कि मैंने जो ऑर्डर किया था ये ना हो के, ऑरेंज शेड ना हो के ये दूसरा है, बिकॉज ऑरेंज कलर से जब हम करेक्ट करते हैं ना अपने पिगमेंटेशन या डार्क सर्कल्स को, तो वो एकदम से हाइड कर देता है उस चीज़ को वगैरह, बाकी जो हमारे पिंपल्स वगैरह जो होते हैं, उन पिंपल्स को अगर हमें हाइड करना है तो हम उसे हम ग्रीन कलर के शेड कलर करेक्टर से को यूज़ कर सकते हैं उस। ओके, सो हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ये इनसाइड का लूज पाउडर, इनसाइड का लूज पाउडर, ये देखिए लूज पाउडर इनसाइड का। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरे स्किन टोन से मैच हो रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग है, लूज पाउडर को आप जितने सॉफ्टली स्प्रेड करेंगे ना, वो उतने ही अच्छे से आपके स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ओके, अगर इसको मैं निकालूंगी तो ये पूरा उड़ेगा, इसलिए मैं आपको निकाल के नहीं दिखा रही हूँ। ये आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, फ्लॉलेस मैट फिनिश का है, इनसाइट HD फिनिशिंग लूज पाउडर है। ओके, आप इसे ज़रूर बाय कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव स्विस ब्यूटी का आईब्रो शेप, हम इसे अपना आईब्रो शेप कर सकते हैं, लेट मी शो यू फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो। ओके, हाँ ये देखिए बहुत ही छोटू सा क्यूट सा है, ये देखिए ब्राउन ब्लैक ग्रे एंड वाइट क्रीम बेस का है, और ये अपना जो जैसे नॉर्मल होता है ना वैसा है, ये देखिए बिल्कुल वैसा ही है, ये हमारा ग्रे कलर, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है, इससे हम अपने आईब्रोज को इजीली शेप कर सकते हैं।
काफ़ी लोग ब्लैक की जगह नेचुरल ब्राउन, जो ब्राउन कलर होता है ना, वो प्रेफर करते हैं, वो ब्लैक यूज़ ना करके वो ब्राउन यूज़ करते हैं। तो ये पैलेट, ये छोटा सा जो पैलेट है आईब्रो शेप के लिए, वो बहुत ही सुपर है, और कंपनी जो है वो स्विस ब्यूटी की है, तो हमें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है क्वालिटी को लेके। ओके सो ये सारे प्रोडक्ट्स तो मैंने बाय किए थे। अब बात है फ्री गिफ्ट की कि मुझे मिला क्या था। तो पहले जब मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स जिसमें मॉइस्चराइज़र और फाउंडेशन और भी कुछ चीज़ें थी जब मैंने ऑर्डर किया था, लूज पाउडर और आईब्रो शेपर जो सब मैंने ऑर्डर किया था, उस टाइम पे मुझे ये फ्री गिफ्ट मिला था। ये छोटू सा है वाओ का मैंगो बॉडी बटर, ये है वाओ का मैंगो बॉडी बटर, ये मुझे मिला था। इसका स्मेल बिल्कुल ही मैंगो की तरह है, बहुत ही प्योर स्मेल है, और ये है वाइट कलर में, ये देखिए ये है वाइट कलर में, ये बॉडी बटर है ऐसे, बहुत ही स्मेल इसकी मुझे इतनी पसंद आई है, ये देखिए बहुत ही एकदम से बॉडी में अब्जॉर्व हो जाएगी ये। ओके मैंगो का वाओ का है मैंगो का बॉडी बटर। ओके और जो दूसरी चीज़ मुझे गिफ्ट में मिली थी वो है ये सैनफी का इंटीमेट वॉश, सैनफी का इंटीमेट वॉश ये मिला है। ये भी बहुत छोटा सा है, ये हमें यूज़ कैसे करना होता है ये हम सबको पता है, इंटीमेट वॉश का है इसलिए। ओके सो ये थे मेरे सारे पर्पल के प्रोडक्ट्स, पर्पल हॉल जो मैंने पर्पल से बाय किए थे। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं बट वो पर्पल के नहीं है, वो फ्लिपकार्ट से मैंने बाय किया है। फ्लिपकार्ट हॉल भी मेरा काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। अगर मैं बात करूँ मेरे आज के ये लुक की कि लाइक मैंने कौन सा मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है अपने फेस पे, तो मैंने बिल्कुल भी कोई ज़्यादा तामझाम वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल एंड सोवर प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो हम जैसे कि हमें कहीं बाहर जाना है तो हम उस टाइम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे एक नॉर्मल स्टार्टिंग बिगनर मेकअप जो होता है ना, हम इसको, ये जो मेरा लुक है हम इसको उसमें काउंट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा कोई तामझाम नहीं किया, मैंने जस्ट फेस वॉश किया अपना, मॉइस्चराइज़र लगाया, एंड देन फेयर एंड लवली का बीबी क्रीम लगाया है। ओके और भी एक चीज है जो मैंने यूज की, यस मैंने लूज पाउडर भी यूज किया है, मैंने कॉम्पैक्ट यूज किया, कॉम्पैक्ट मैंने सिर्फ अपने नेक के लिए यूज किया, लूज पाउडर मैंने अपने फेस पे लगाया है। ओके सो मेरा आज का ये लुक आपको कैसा लगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो जरा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता है देन प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि मेरे जो भी वीडियोस आए आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए और आप उसे तुरंत देख सको। मेरा ये जो पर्पल का हॉल है ये मैंने 300 में बाय किया है। मैं सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता हो आप ज़रूर लीजिएगा। एंड यस मेरा जो स्किन टोन है वो मेरा स्किन टोन डस्की है, डस्की भी लाइक जो हमारा वीटिश कलर होता है, जो हमारा गेहूं वाला रंग होता है ना, जिसे हम बोलते हैं गेहुआ रंग, वो है मेरा स्किन टोन। और मैंने जितने भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च मारा, जब मुझे मेकअप करना है, मुझे सीखना है, तो उस टाइम मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सर्च मारा, बहुत वीडियोस मिले मेकअप्स के, बट प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी मेकअप आर्टिस्ट थे उस पे, या जितने भी यूट्यूबर है जिन्होंने मेकअप के बारे में, मेकअप कैसे करना है ये समझाया है, सिखाया है, उन सबकी स्किन टोन वाइट कलर थी, किसी की भी स्किन टोन डार्क या वेटिश या डस्की नहीं थी। ओके और तो उनका जो स्किन टोन है, हमारा जो स्किन टोन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। तो सॉरी तो उस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम हुई थी कि कि इतने यूट्यूबर्स में से मुझे बिल्कुल भी कोई एक भी ऐसा यूट्यूबर नहीं मिला कि जो जिनका स्किन टोन मेरे से मैच करता हो, जिनको मेरी तरह पिगमेंटेशन हो, वो मुझे ये बता सके, मैं उनसे ये सीख सकूँ, ये जान सकूँ कि क्या करना चाहिए, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। तो अगर आपका स्किन टोन मेरे जैसा है, डस्की है, आपका स्किन टोन थोड़ा वीटिश है, गेहुआ है, या आपको भी पिगमेंटेशन है, मेकअप करते टाइम वो डार्क दिखने लगता है, आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल मेकअप के टिप्स लाने वाली हूँ, मेकअप का वीडियो लाने वाली हूँ, जो हमें जिनके डार्क स्किन है वो कैसे मेकअप करें। ओके जितने भी गोरे लोग हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं,
मेकअप कर रहे हैं, उनका फेस बहुत सुंदर दिख रहा है, नो इशू, वो दिख रहे हैं बहुत अच्छे, बट हमारे स्किन टोन वालों का क्या, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? ओके सॉरी। तो अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको सारे प्रोडक्ट्स कैसे यूज़ करना है मैं आपको बिल्कुल से वो सिखाऊंगी। ओके सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। बाय।